तुम स्विम सूट पहन लोगी, वो तो स्विमिंग सूट पहनती है। देखो मैं तुम्हें उसका फोटो दिखाता हूँ, देखो देखो है, लग रही है ना हॉट एंड सेक्सी। गुस्सा मत करना फिर वहां पर। एक झापड़ मारूंगी ना उसको, कोने में गिरी हुई नजर आएगी वो। तुम्हारा भाई जा रहा है आज संडे को स्विमिंग करने अपनी एक्स गर्लफ्रेंड के साथ, तो दोस्तों वीडियो पूरी देखना, बहुत मज़ा आने वाला है। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना एंड कमेंट कर देना। ठीक है दोस्तों, मज़े आने वाले हैं, वीडियो को पूरी ज़रूर देखना लास्ट तक। ठीक है फ्रेंड्स, रंजना मेरा ब्लैक वाला शॉर्ट्स कहाँ है? उसी में तो रखे हैं साले अंदर। मिल ही नहीं रहा, देखो। ठीक है तो फिर भाई रहने दो फिर। ये कहाँ जा रहे हो? चश्मा पालिया देखूं। कहाँ जा रहे हो ये चश्मा पालिया लेके संडे वाले दिन? यार संडे है, थोड़ा गर्मी पड़ रही है, चल मारने दो, स्विमिंग पूल जा रहा हूँ। स्विमिंग पूल जा रहे हो? स्विमिंग करने जा रहा हूँ, स्विमिंग करने। अकेले अकेले? तो और किसको ले जाऊं? डुगू को भी ले जाओ साथ में। डुगू नहीं कर पाएगा, और डुगू ऐसा है ना, मैं किसी और के साथ जा रहा हूं। तो मुझे भी ले जाओ, मैं भी चलती हूँ ना साथ में। ये कौन सी बात है, संडे वाले दिन अकेले अकेले चल देते हो चिल मारने? हम चिल नहीं मार सकते तुम्हारे साथ? तो यार कभी अकेले भी यार मेरे को टाइम स्पेंड करने दिया करो, जरूरी है मतलब हर जगह जाए तो अब मतलब। तुम्हें स्विमिंग तो आती नहीं है, वहां जाके क्या करोगे? अरे तो कोई कोई मतलब जरूरी है कि कोई कोई स्विमिंग प्रैक्टिस हो रही है, या मतलब रेस थोड़ी ना हो रही है, कंपटीशन थोड़ी ना हो रहा है, इतना तो हम स्विमिंग पूल में चिल मारने आ रहे हैं। किसके साथ जा रहे हो? देखो मैं किसी और के साथ जा रहा हूँ, इसलिए ना डुब्बू को ले आ सकता हूँ ना तुमको ले आ सकता। ठीक है, किसके साथ जा रहे हो? मैं जा रहा हूँ बबली के साथ, बबली आ रही है, उसी ने प्लान बनाया तो मैं उसके साथ जा रहा हूँ। बबली के साथ जा रहे हो? बबली एक लड़की है, वो स्विमिंग करेगी और तुम उसके साथ जा रहे हो? अरे जाना है तो किसी अपने दोस्त के साथ जाओ, लड़की के साथ क्या करना है बबली के साथ वो जाके? यार फ्रेंड है मेरी। मुझे पता है वो फ्रेंड है तुम्हारी, ठीक है? तो अच्छा लगता है इस तरह से? मुझे अरे भी ले तो चलो, मैं भी चल रही। चलो अभी मजा आएगा ना भिड़ो। अरे अब अगली आ रही है, मैं भी चलूं। चलो मैं भी चल रही हूँ। यार तुम गजब कर रही हो यार, गलत तो तुम तुम कर रहे काफी। हो। अगर वो ये कहेगी कि तुमने पहले प्लान चेंज कर दिया, तुम अपनी वाइफ को भी लिया है, तो उसको कैसा लगेगा? फिर वो ये नहीं सोचेगी कि यार तुम्हारी वाइफ तो बड़ी नैरो माइंडेड है। यू आर राइट ब्रो। बबली क्यों सोचेगी? उसको तो सोचना चाहिए कि हाँ वाइफ का तो हर जगह जाने का हक है, हस्बैंड के साथ। ऐसा थोड़ी ना है कि बबली के कहने पे मैं जाऊंगी नहीं। अरे यार समझा करो मैं थोड़ा, चलूंगी चलूंगी, मैं भी चल रही हूँ अभी बस। ऐसे कैसे चली जाओगी? क्यों? पहली बात तो ये है कि तुम स्विम सूट पहन लोगी? नहीं वो तो स्विमिंग सूट पहनती है। देखो मैं तुम्हें उसका फोटो दिखाता हूँ, देखो देखो है, लग रही है ना हॉट एंड सेक्सी। हाँ बहुत हॉट सेक्सी लग रही है, बिल्कुल भूतनी की तरह। अब ये बताओ तुम चलोगी तो स्विमिंग सूट पहन लोगी? स्विमिंग सूट पहन लोगी तो चलो फिर, चलो। मेरे पास स्विमिंग सूट है भी नहीं, और मैं वहां पे ऐसा करूंगी मैं बैठ जाऊंगी बस, तुम लोगों को देखूंगी। स्विमिंग सूट तो वहां पर मिल जाएगा, बताओ पहनोगी तो चलो। मैं नहीं पहन सकती, मुझे नहीं अच्छा लगता, मैं बस वहां बैठी रहूंगी, मैं देखूंगी तुम लोगों को। बैठी रहोगी हाँ और वहां पे मतलब ऐसे मतलब तुम्हारे मैं पैसे भी दूं, टिकट भी दूं, और फिर भी तुम वहां पे बैठी रहो क्यों? सिर्फ हम दोनों पे नजर गड़ाने के लिए? अकेले अकेले मजे नहीं लेने दूंगा। हाँ नजर गड़ाने के लिए, ध्यान रखने के लिए, देखने के लिए। ऐसा है चुपचाप से बैठो, मैं अकेले जा रहा हूँ। ठीक है मैं भी चलूंगी, मैं कह रही हूं ना, मैं वहां पे सिर्फ बैठी रहूंगी।
यार वहां पे भंडारा थोड़ी ना चल रहा है कि वो तुम बैठी रहोगी वहां पर। भंडारा चल रहा है वहां पे। मैं तुम्हें अकेले ऐसे नहीं जाने दूंगी, एक लड़की के साथ जा रही है स्विमिंग करने। यार इसमें क्या परेशानी जरा ये बता। मुझे है परेशानी, मैं नहीं जाने दूंगी। जाएंगे तो मैं और डुगू दोनों साथ में जाएंगे तुम्हारे, तुम अकेले नहीं जाओगे। फिर वहां पे क्या करोगी फिर? सुनो फिर एक चीज ध्यान रखना, तुम चल रही हो ठीक है चलो, फिर बबली को थोड़ा मजाक करने की आदत है और बार बार क्या कहते नहीं है वो मेरे ऐसे हाथ डाल लेती है, तो फिर गुस्सा मत करना फिर वहां पर। एक झापड़ मारूंगी ना उसको, कोने में गिरी हुई नजर आएगी वो। यार एक चीज बताओ, जब स्विमिंग करने आ रहे हैं साथ में चिल मारने आ रहे हैं तो यार वो थोड़ा बहुत तो टच करेगी, ऐसे नहीं है कि वो मेरी पिट्टी पे चढ़ के बैठ गया है, पर यार वो साथ में तो बैठेगी ना थोड़ा बहुत, समझा करो। अपनी एक चीज और है, देखो मैं तुम्हें ध्यान से बता दूं, मैं तुम चल लियो तुम चलो फिर, पर गुस्सा मत करना। देखो मैं तुम्हें साफ साफ बता दूं, वो स्विमिंग करने के बाद जब सन बाथ लेती है तो जो मॉइस्चराइजर लगवाती है तो वो मुझसे लगवाने की कह रही थी। क्या बोला तूने? फिर मैं पूरी उसकी बॉडी पर मैं उसकी मसाज करके मॉइस्चराइजर लगाऊं, सनस्क्रीन लोशन, तो फिर गुस्सा मत करना फिर, बताओ चल लियो चलो। जान प्यारी है ना अपनी, लगता है तुम दोनों को अपनी जान प्यारी नहीं है। सन बात लेगी वो, तुम उसके लोशन लगाओगे है ना, जान प्यारी नहीं है तुम्हारे। जान लगा से मार दूंगी तुम्हें और उसको दोनों को, ठीक है? जान से मार दूंगी, जान से मार दूंगी। मेरी शराफत का बहुत फायदा उठा रहे हैं। यार ये बताओ आजकल यार तुम इस चीज को, यार तुम इतनी नैरो माइंडेड कब से हो गई हो यार? तुम्हारे साथ भी तो मैं घूमा हूँ फिरा हूँ, तुम तो कभी ऐसे सोचती नहीं थी। एक बॉडी मैं जाती हूँ किसी के साथ अकेले इस तरह से चिल करने। यार तुम्हारे से लगता है, पर मेरा एक चीज बताओ, वो अगर ऐसे ऐसे करके लेटी होगी और मैं उसके ऐसे लोशन लगा दूंगा, वेल डन, तालियां होनी चाहिए यार, तो कोई दिक्कत है? देखना मैं उसके ऐसे करके लोशन लगा दूंगा तो कोई दिक्कत है? ठीक है मैं भी चलती हूँ, मैं भी ऐसे करके लोशन लगवा लूंगी, ठीक है? तुम्हें दिक्कत नहीं होनी चाहिए फिर। हाँ तो मैं लगा दूंगा तुम्हारे, ये फंस गया। अरे तुम्हारे नहीं, मैं किसी और से लगवा लूंगी, ठीक है? ठीक कौन सी बात हुई, जब तुम्हारे लगाने लिए उसके लगाने के लिए तो कोई है नहीं, तुम्हारे साथ तुम्हारे लगाने के लिए तो मैं हूं ना। मैं बहुत अपनी उसमें हूं नवीन, ठीक है? ए यार तुम छोड़ो यार, चलो ठीक है तुम डुगू से लगवा लेना। हाँ, तुम्हें आओ, अच्छा तुम अब... चलो तुम्हें भी लोशन लगवाना है, तुम लगवा लेना डुगू से। मैं ये कह रही हूँ तुम अपनी हद में रहो, मुझे इतना सब नहीं पसंद है, ठीक है? कोई भी औरत इस तरह से नहीं पसंद करेगी कि उसका हस्बैंड किसी और औरत को इस तरह से छुए, मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद है, ठीक है? हमारे में तेरे बाप को मत सिखा, चल ठीक है, आ गई बात समझ में? अच्छा ठीक है यार चलो, हम अपनी शराफत में रह रहे हैं तो तुम ज्यादा ही हम पर हमें बेवकूफ बनाने में, हमें पागल बनाने में लगे हुए, हमारी शराफत का फायदा जो उठा रहे हो ना तुम। अच्छा मैं चला गया कहीं, चला गया या अभी तक तो कुछ ऐसा हो गया? बताओ कुछ, चला कोई एक चीज बताओ, बताओ एक चीज। क्या बताऊं? बताओ को मैंने कौन से शराफत के पर्दे फाड़ दिए हैं मैंने? तो तुम जाने की बात क्यों कर रहे हो? क्यों नहीं, तुम मेरे को एक एक ऐसा इंसिडेंट बता दो कि जिसमें मैंने अपनी शराफत के पर्दे फाड़ के रख दिए हैं, बताओ बताओ। वो तो मैंने इतना कंट्रोल में कर रखा है तुम्हें। नहीं तुम ये कह रही हो हमारी शराफत, देर नहीं लगेगी, ठीक है? ऐसे बोलती हो हमारी शराफत ये वो फलन, तुम एक चीज मेरे को ऐसे बता दो जिसमें कि भाई मैंने कुछ गलत कर दिया हो। नहीं जाओगे, नहीं जाओगे, नहीं जाओगे, कह दिया इस बार नहीं जाओगे। अच्छा ठीक है, मैं लोशन नहीं पसंद है, मैं लोशन नहीं लगाऊंगा, ठीक है? तुम वहां पे चलो, और तुम्हें चलना है ठीक है चलो, बताओ। वो तुम्हारे सामने स्विमिंग सूट में आएगी, तुम्हें अच्छा लगेगा उसे देख के? अब ये नहीं कह सकते कि पता नहीं मेरे दिल को कितनी खुशी मिल रही है, तो बड़ा हरामी हो बेटा। निहायती क्या बोलूं अब तुम्हें। अच्छा मेरे को एक चीज बताओ, शर्म नहीं है, मेरे को एक चीज बता दो, ठीक है? बबली को मैं नहीं बुला रहा हूँ, मैं स्विमिंग करने जा रहा हूँ, क्या वहां पे और लड़कियां स्विमिंग सूट पहन के नहीं आएंगी? और लड़कियों से कोई मतलब नहीं है, तुम जिसके साथ जा रहे हो। अरे यार थोड़ा समझा करो, इधर देख के बात करो। क्या है, कब समझोगी? मैं नहीं समझ रही कि जो तुम ये वाइफ हो,
पहले शादी से पहले जब तुम मिली थी तब तुम ऐसे सोचती थी नहीं, नहीं तो वाइफ घर पे सिर्फ खाना बनाने के खिलाने के लिए, तो मैं ले तो जा रहा हूँ तुम्हें, बस इस चीज के लिए चाहिए भाई। अरे तो ले तो जा रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि वाइफ बन गई हो जब से कुछ ऐसा मुझे सोचती हो कि पल्लू से बांध लू, मैं किसी पे और नजर से देख नहीं पाए। पल्लू से अगर तुम्हें बांध लेती ना तो तुम इस तरह की जो है ना घूमने की जाने की सोचते भी नहीं बबली के साथ। अच्छा बताओ और कहाँ चला गया बबली के साथ? शादी के बाद कहीं गया हूँ बबली के साथ? बताओ, वो तो थोड़ा फोन पे ही बात होती रहती है बस, तुम उसी में ही किसे आती रहती हो, पता पड़ेगा ना बबली को तो फिर वो घर पे आ जाएगी बात करने। आने तो, बताऊंगी उसे। बात करने आ जाएगी क्योंकि ऐसी क्या प्रॉब्लम है? बात करने आ जाएगी, ऐसी क्या प्रॉब्लम? हाँ तो बुला लेना। चलो यार उसका मैसेज आ रहा है, मुझे जाने दो। जाओगे तो जाओगे, नहीं निकालो कदम पैर, तुम जाओ तो तुम चलो ना साथ में, चलो आ जाओ। हमारा बबली दोनों साथ में चल रहे हैं, चलो चलो चलो। मैं नहीं जा रही और ना तुम जाओगे। अरे चलो यार चल रहे हैं ना, मैं जा रही हूँ और ना तुम जाओगे, ठीक है? अरे चलो चल रहे हैं, जाओ तुम। अरे यार ये क्या बात हुई थी, गेट बंद कर दिया यार, मुझे लेट हो रहा है, वो वेट कर रही होगी। अरे वो वेट कर रही होगी, सुनो। रंजना क्या है? मैं नहीं खोलूंगी। अरे यार जाने दो यार, नहीं जाओगे, नहीं जाओगे, जाने दो, चलो खोलो, लेट हो रहा है। अच्छा एक मिनट आओ, इधर बात करनी है, खोल दो यार। क्या बात करनी है? मैं नहीं खोलूंगी, बोल दिया ना, यहीं से बोलो क्या बोलना है। अरे यार तुम लेट कर रही हो, खोल दो। खोलूंगी यार, सुबह सुबह का टाइम है, मैं अभी फ्रेश होने भी नहीं गया हूँ, मैं मजाक कर रहा था, मैं कहीं नहीं जा रहा, प्रैंक कर रहा हूँ, आ जाओ यार खोलो, मुझे जाना है फ्रेश होने। खोलो पक्का? पक्का यार, प्रैंक कर रहा था, जल्दी खोलो यार। प्रैंक कर रहे थे? प्रैंक कर रहा था, मुझे वॉशरूम भी जाना है, जल्दी करो। अंदर ही पॉटी करूंगा क्या फिर मैं? खोलो खोलो यार खोलो। तुम ना बिल्कुल ऐसे ही आए हो, आ जाओ आ जाओ। हाँ कैमरा वो रखा डोरेमोन के पास, ठीक है? बच गए तुम और तुम्हारी बबली, जान से मार देती हूँ। पता है मैं तो नेक्स्ट साल थोड़ा सा इतना सा भी कर दूँ ना, उसमें मैं तुम्हें जला बना सकता हूँ। डीप फ्राई हो जाती हो नेकी में तुम। हम करते नहीं है तुम्हारे साथ इस तरह के मजाक, नहीं तो तुम भी डीप फ्राई हो जाओ, ठीक है? ठीक है ठीक है। हम बोलते भी नहीं है ऐसे वर्ड, हमें पता है तुम्हें पसंद नहीं आएंगे। तुम ज्यादा जेलस हो जाती हो। तो फ्रेंड्स वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना एंड कमेंट कर देना, ठीक है? तो बाय बाय।